तो चलिए मैं आप लोगों को हेलीकॉप्टर बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस कागज़ को इस तरह से मोड़ेंगे, ये इस तरह से सीधी लाइन में मुड़ गया। अब इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे, यानी कि हमने एक प्लस का निशान बना दिया है इस पे बीच पे, ठीक है। अब हम इस कागज़ को यहाँ से इतना, इसके आधा और इतना हम इसको फाड़ देंगे। मैंने देखिए निशान लगाया है, मैं इसको काट दे रहा हूँ, इतना इधर भी काट दिया और इधर भी काट दिया, और इसको अब मैंने इस तरह से बीच लाइन तक की फोल्ड कर दिया। तो मैंने देखिए आप लोग, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है मैंने, हाँ जी। अब हम इतना अपना दो इतना छोड़ के हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, दो अंगूर छोड़ दिया, यहाँ पे टिक मार दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक टिक मैंने मार दिया है ना। अब मैं इस बीच वाली लाइन को यहाँ तक ही फाड़ दूँगा। तो मैंने उस लाइन तक की फाड़ दिया है इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा रोल कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं इसको मोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको रोल कर रहा हूँ दोनों साइड, एक को दूसरी तरफ, एक को दूसरी तरफ। मैंने इसको इस तरफ रोल किया है तो इसको इस तरफ रोल करेंगे। तो हमारा हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो चुका है, हेलीकॉप्टर बन के तैयार हो गया। अब इसको उड़ा कर देखते हैं। हम हेलीकॉप्टर में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं, इस पर ऑल पिन चिपका कर उड़ा सकते हैं, और इसको छोटा काट के देखते हैं कि क्या होता है। इस पर हम पिन चिपका सकते हैं, चिमटी है ये बाल में लगाने वाले, और इसको मैंने इधर ज़्यादा काट दिया तो इससे क्या होगा। और हमने कागज़ बदल कर देखा कि इसमें मोटापन आ गया कागज़ में तो इससे क्या होगा, और मैंने इसका पूंछ काट दिया तो अब इसको करके देखेंगे तो इसमें क्या होगा। और मैंने एक फूल लिया, इसको उड़ाकर देखते हैं कि इसी के ही तरह है तो इससे क्या होगा।